हमने यहाँ पर गाड़ी लोड करने के रख दी है और धीरे धीरे लोडिंग शुरू होना शुरू हो चुका है। आगे देखते हैं। अब दो बंदे हमारी गाड़ी को लोड कर रहे हैं, बाकी सब माल ला रहे हैं कहीं और से। देखो कितना गाड़ी भर चुका है। और ये एक बंदा सर पर लेकर आ रहा है गाड़ी में लोड करने के लिए माल। देखो इसने यहाँ पर ये रख दिया है और ये नीचे जो बंदा खड़ा है वो गाड़ी में देखा वो माल। धीरे धीरे गाड़ी हमारी लोड हो चुकी है और ये माल यहाँ से ले जा रहे हैं और हमारी गाड़ी में ले जा रहे हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, ये कहाँ से लेकर सर पर जा रहा है, कितना दूर है गाड़ी यहाँ से, वो भी ये सर पर लेकर जा रहा है। देखो ये रास्ता मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो ये रास्ता कितनी दूरी है। गाड़ी यहाँ पर आ सके ऐसा रास्ता नहीं था, इसलिए थोड़ी दूर हमने खड़ी कर दी है गाड़ी को और ये लोग अपने सर पर ला रहे हैं। देखो ये रास्ता, यहाँ पर गाड़ी आए ऐसा कोई रास्ता नहीं है। और ये भी ये लेने जा रहे हैं वहाँ पर। देखो सामने हमारी गाड़ी दिख रही है। अभी ये गाड़ी लोड होने में थोड़ा ही समय बाकी है, थोड़ी देर में गाड़ी लोड हो जाएंगी। देखो आधे से ऊपर गाड़ी लोड हो चुकी है और लोड होने के बाद हम यहाँ से निकल चुके हैं, रास्ते में हैं। हमको अभी यहाँ से 15 किलोमीटर दूर जाना है, वडोदरा में जाना है। देखते हैं आगे, तब तक आप रोड का सीन देखिए। देखिए रास्ता देखो कैसा है। दोस्तों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन मिले इसीलिए बेल का आइकन दबाइए। यहाँ से हम खंबात वाला हाईवे पे निकल चुके हैं। देखो कुछ ही समय में हम हमारे डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। बारिश का सीज़न है लेकिन यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। आगे जाके हम यहाँ से लेफ्ट साइड मुड़ जाएंगे। और यहाँ से हम लेफ्ट साइड जाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ से मुड़ चुके हैं अभी और सीधे आगे जाएंगे। ये भी रास्ता ठीक है। देखिए दोस्तों बाहर का नज़ारा, और यहाँ पर गाय भैंस बीच में आ गई है। करने के बाद हम यहाँ से आगे निकल चुके हैं। देखिए दोस्तों ये तो फाइनली हमको जहाँ पर जाना था वही नज़दीक में पहुँच चुके हैं। और ये बीच में देखो आइसर खड़ा है, हमारी गाड़ी निकले ऐसी जगह नहीं है, तो बाद में हम यहाँ से निकलते हैं। तो फाइनली हमको जहाँ पर लोड को खाली करना था वहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर हमने गाड़ी खाली करने के लिए रख दी है। यह हमारे संबंधी का ही घर है और यहाँ पर ही हमको माल खाली करना है। देखो दोस्तों गाड़ी यहाँ पर हमारी यहाँ खड़ी है और ये गाड़ी खाली होना चालू हो चुका है। धीरे धीरे करके गाड़ी को
खाली किए जा रहे हैं ये लोग। चार पांच बंदे हैं जो गाड़ी को खाली कर रहे हैं यहाँ पर। देखो दोस्तों, पूरा गाड़ी भरा हुआ था और फाइनली हम यहाँ से गाड़ी खाली करके निकल चुके हैं। और देखिए दोस्तों, ये रोड का नज़ारा, यहाँ से खाली करके हम निकल चुके हैं अभी और फटाफट घर की ओर चलते हैं। रोड की चारों ओर हरा भरा है, यहाँ पर बारिश की वजह से सभी पत्ते हरे हो चुके हैं। रोड बहुत अच्छा है यहाँ पर। और यहाँ से हम राइट साइड जाएंगे और यहाँ से सीधे चले जाएंगे। और ये देखिए दोस्तों, गाड़ी के बाहर का नज़ारा, पीछे का भैया ऐसे घूम रहा है, आपको दिखाते हैं दोस्तों यहाँ पर गाड़ी कैसे चल रही है। बड़ा मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में। गर्मच की ओर तो यहाँ पर हाईवे आ चुके हैं और फटाफट हमारे घर की ओर निकलते हैं। धर्मज वाला हाईवे है, धर्मज खंभात। देखिए बहुत मस्त हाईवे बनाया है यहाँ पर, अभी अभी नया बना है। और ये बाहर का नज़ारा देखिए दोस्तों। और ये फाइनली हम यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ से हम जाएंगे लेफ्ट। यहाँ आ चुके हैं खोड़ियारपुरा। खोड़ियारपुरा से हम यहाँ से लेफ्ट जाएंगे और ये हमारे घर के जो पीछे का रास्ता है वो आपको दिखाई दे रहा है। पहले यहाँ पर कच्ची सड़क थी, अब ये रोड हो चुका है। बहुत बढ़िया रोड है ये। मेरे घर के पीछे ये रोड है, 2 किलोमीटर का रोड है ये। और यहाँ से हम आगे जाएंगे और बिल्कुल हम मेरे घर के पीछे वाले रास्ते पे आ चुके हैं अभी। और यहाँ पर बेचरपुरा स्टार्ट होता है, यहाँ से आप बेचरपुरा में भी जा सकते हैं। और ये बेचरपुरा जाने का रास्ता यहाँ पर आ चुका है, हम सीधे ही जाएंगे क्योंकि हमारा घर आगे है। और हमारे घर के बाजू में जो तालाब है वो आपको अभी दिखाते हैं। ये तालाब है हमारे घर के बगल में। और फाइनली अब हम आ चुके हैं घर पर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा घर आ चुका है और यहाँ से हम राइट ले लेंगे हमारे घर की ओर। फाइनली सामने हमारा घर दिख रहा है, फाइनली हम घर पे आ चुके हैं दोस्तों। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद, जय माता जी।